छोटे शहरों के कलाकारों को मौका देने के लिए आज अविवा क्यून कंपनी की ओर से एक रियलिटी शो का आगाज किया गया। आपको बता दें कि इस रियलिटी शो की शुरुआत 2021 के जनवरी महीने से होगी। भोजपुरी संगीत महासंग्राम के नाम से आयोजित होने वाले इस रियलिटी शो में भोजपुरी जगत के कई कलाकार जज की भूमिका में भी नजर आएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए कंपनी के निदेशक ने बताया कि गांव कस्बों में जो ऐसे हुनर हैं जो छुपे हुए हैं उन्हें मौका देने के लिए ये कंपनी भोजपुरी संगीत महासंग्राम आयोजित कर रही है। विशेष जानकारी के लिए अनिल कुमार की देखते हैं डेहरी एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए ये रिपोर्ट। इंटरटेन भी हो जाए, जो फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग, अपने जॉब किसी का चला गया, कुछ अपने झेल रहे माली अवस्था से, तो हमने शुरू किया ऑनलाइन कंपटीशन, जिसमें हमने हिंदी भी किया, इंटरनेशनल भी किया। तो बहुत सगे संबंधी हमारे हैं, प्लस बहुत से सिंगर जुड़े हुए जो हमारे साथ काम करते थे, अर्चना जी भी हैं, तो इन्होंने सब आइडिया दे कि आप हिंदी के लिए, भोजपुरी के लिए क्यों नहीं करते। काफ़ी दिनों से गैप है, वो रहेंगे, प्लस हमें मेंटर्स के तौर पे अर्चना जी को ऑलरेडी हमने साइन कर लिया है। ये हमारे फर्स्ट मेंटर है जो ऑलरेडी कन्फर्म्ड है, जिनके अंडर हमारे जो भी सिंगर्स रहेंगे वो ट्रेन होंगे एंड आगे वो कंपटीशन को लेके चलेंगे। एंड ये कॉम्पिटिशन होप सभी के लिए अच्छा रहे एंड यहाँ के जो भी टैलेंट्स हैं उनको अपना जो भी प्रतिभा उसको सामने लाने का पूरा पूरा मौका मिला। मैं चाहती हूँ कि फिर से हमारी भोजपुरी, इतनी सारी आप लोग शो कराते रहते हैं हर समय, तो भोजपुरी में भी एक बार आप लोग कराइए और अच्छे अच्छे सिंगर लोग आए। ऑडिशन चालू होने वाला है 1 जनवरी 2021 से, 21 जनवरी 2020 से ऑडिशन स्टार्ट होगा इसका। बेसिकली इसका हम दोनों मोड सोच रहे हैं, बट क्योंकि कोविड है तो हम प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं, तो होपफुली हम इसका ऑडिशन ऑनलाइन मोड पे ज़्यादा रखेंगे, ऑफलाइन का भी हम श्योर नहीं है। एंड जो इसमें सिलेक्टेड कंटेस्टेंट्स होंगे उन्हीं को लेके हम आगे टीवी राउंड के लिए फॉरवर्ड करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पोस्टर लॉन्च है। देखिए, बड़े शहरों में हमेशा ही होता रहता है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, छोटे शहरों में तो आएगा ही नहीं कभी कोई भी इस टाइप का प्लेटफॉर्म। तो ऐसा एक जगह सिलेक्ट करना जो कि आज तक अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है, और स्पेशली जैसे बक्सर हो गया या यूपी, इसके कुछ सेक्टर्स है वो ऑलरेडी बहुत फेमस है, बट रोहतास जिला आज तक, मतलब यहाँ बहुत सिंगर्स है लेकिन इसको कोई आज तक सामने लेके नहीं आया कि हाँ ये भी एक जगह है जहाँ पे आपको सिंगर्स मिलेंगे और टैलेंट्स हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म देने का तरीका था कि जो सिंगर्स हैं कहीं हो कि मोटिवेशन बहुत डाउन हो गए तो वो मोटिवेट हो पाए इस चीज़ को देख के।